दोस्तों, हमारे विंडोज सिस्टम पे जो भी डेटा रहता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम नहीं चाहते हैं किसी और पर्सन वो डेटा को एक्सेस कर पाए। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपने चैनल पे पब्लिश कर दी है, आप चाहे तो उन सभी वीडियोस को देख सकते हो ताकि आप सिस्टम का डेटा को सेफ रख सको। साथ ही आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम सिस्टम का हर एक यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर सकते हैं ताकि किसी और पर्सन हमारे सिस्टम में से डेटा को एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव पर ट्रांसफर ना कर सके। हालांकि आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू माउस या फिर कीबोर्ड को बिना परेशानी के ऑपरेट कर सकते हो। हम सिर्फ यूएसबी स्टोरेज ड्राइव को हमारे सिस्टम पे एक्सेस होने से ब्लॉक करेंगे। इसका मेन दो फायदा है, एक है सिस्टम से डेटा लीक को प्रोटेक्ट करना और दूसरा है सिस्टम पे एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव में से वायरस इंजेक्ट होने से प्रोटेक्ट करना। वेल, अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम बेसिकली विंडोज रजिस्ट्री एडिटर की हेल्प लेंगे। तो आप कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए विन प्लस आर, फिर आपके सामने रन विंडो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है REG edit एंड हिट एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने रजिस्ट्री एडिटर विंडो ओपन हो चुके हैं। अब इस विंडो में लेफ्ट साइड पे देखिए ट्री शेप में कुछ फोल्डर है। आपको इन सब में से H की लोकल मशीन के पास जो एरो आइकन है उस पर क्लिक करते हुए H की लोकल मशीन को एक्सपेंड कर लेना है, फिर सिस्टम को, अब इन सब में से करेंट कंट्रोल सेट को, देन सर्विसेस। अब आपको ढूंढना है यूएसबी स्टोर को। तो ये रहा यूएसबी स्टोर, आपको इसे एक्सपेंड नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ आप राइट साइड पे देखिए कुछ फाइल्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक है स्टार्ट। अब हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करते हुए इसका जो प्रॉपर्टीज विंडो है उसे ओपन कर लेना है। ओके, अब इसे नया विंडो पे देखिए वैल्यू डेटा, इसका जो वैल्यू है वो फिलहाल 3 है, आपको सिंपली इसे चेंज कर लेना है 4 से, फिर ओके पे क्लिक करते हुए इस चेंज को सेव कर लेना है। बस इतना ही, अब आप किसी भी स्टोरेज ड्राइव को यूएसबी पोर्ट के थ्रू अपने सिस्टम पे इंसर्ट करके देख सकते हो। चलिए एग्जांपल के लिए मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब विंडोज फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेन ड्राइव जो है वो हमारे सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब आप किसी भी यूएसबी पोर्ट को ट्राई करके देख सकते हो, पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव को ब्लॉक कर दी है। हालांकि आप एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव के अलावा किसी और डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो यूएसबी पोर्ट के थ्रू, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, लाइक ए कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, वाईफाई डोंगल एक्सेट्रा। ओके, तो वापस एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव ब्लॉक पोर्टेशन को हटाने के लिए आपको रजिस्ट्री एडिटर में से इस स्टार्ट फाइल पे अगेन डबल क्लिक कर लेना है और वैल्यू डाटा 4 को चेंज कर लेना है वापस 3 से, देन इस चेंज को सेव करने के लिए ओके पे क्लिक कर लेना है। अब चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं विंडोज फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, अब पेन ड्राइव को सिस्टम पे वापस इंसर्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव जो है वो हमारे सिस्टम वापस डिटेक्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम हमारे सिस्टम पे हर एक यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव को एक्सेस होने से। है ना बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट पे शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट लिंक छोड़ दूंगा जहाँ से आप इस ट्री स्ट्रक्चर को देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।